नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। हम सभी साथी अपनी अपनी कलम के माध्यम से तहसील क्षेत्र के आम जन की आवाज़ को बुलंद कर सकें, यही हमारा प्रथम और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। उक्त बातें तहसील पत्रकार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चादौ ने तहसील पत्रकार संघ बदनावर द्वारा नागदा प्राइवेट आईटीआई में आयोजित बैठक में कही। कार्यक्रम की शुरुआत मावीड़ा वादिनी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जाधव, संरक्षक रमेश चंद्र धबाई, शंकरलाल राठौर, विजय कोठारी, प्रेमलता जायसवाल, मंचा सिंह थे। बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों ने अपने सुझाव साझा किए। महामंत्री पोप सिंह राठौर, सचिव पवन वैष्णव, उपाध्यक्ष विकास पाटीदार विकास क्षेत्रीय नीलेश जैन, पंडित धर्मेश शर्मा, संगठन मंत्री मनोहर पाटीदार, महासचिव योगेश बैरागी, साकोषा अध्यक्ष संजय जायसवाल, मीडिया प्रभारी सुरेश चौहान, प्रवक्ता लाखन चौधरी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सचिव पवन वैष्णव ने किया आभार। उपाध्यक्ष विकास क्षेत्रीय ने माना। बदनावर से राजेश चौहान की खास रिपोर्ट। सुना होगा कि जब कम गेंद पर ज्यादा रन बनाने हो तो एक ऐसे खिलाड़ी को बुलाया जाता है जो धुआंधार हो, ऐसे ही खिलाड़ी को मैंने बचा के रखा है। आदरणीय हम सबके वरिष्ठ पोप सिंह जी राठौर पप्पी वाला साहब, मैं उनसे आग्रह और अनुरोध करूंगा कि वे हम सबको मार्गदर्शन करें। श्री पोप सिंह जी राठौर पप्पी वाला साहब, मैं इस मामले में पवन की तारीफ करना चाहूंगा। मैं कि पवन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में रहता है। किसकी? मेरी नहीं, सभी की। यानी कहां पहुंच जाता है, कहां से किसको निकाल के ले आता है। ठीक है, नहीं चार दिन खबर ही डाली है, सीधी सी करा दो, पर एक दिन किसी ऐसे किसी मिल लिए और लोगों से परिचय करा दिया। ऐसे ही आप लोग भी किसी न किसी माध्यम से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाजी जो खबरें जनता की बहुत समस्याएं, हर किसी की, हर घर में, हर परिवार में, सब जगह समस्या है। तो एक ऐसी समस्या निकाले आप जो वास्तव में लोग ढूंढते हैं, वास्तव में लोग चाहते हैं। क्या खबर जनहित से खबरें को नहीं लिखते, लिखते नहीं हो। फलाने ने बर्थडे मनाया, मिलती है सब, होता है सब, अगर करने की क्षमता रहे तो, हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती है, सब कुछ होगा। बस अब यह है कि थोड़ा सा हम लोग मिलजुल के मिलते रहे और एक दूसरे के विचार साझा करते रहे और किसी की जो भी ज्ञान है उसको बांटते रहे। ज्यादा